बागेश्वर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही बूंदाबांदी हुई। बर्फबारी और बूंदाबांदी से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बागेश्वर में दो दिन बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बागेश्वर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और सभी विभागों को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा ये शीतलहरी को लेकर बर्फबारी को लेकर पहले ही 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे लगभग 18 रोड्स जो हमारी बर्फबारी से बाधित रहती है, वहाँ पर JCB तैनात पहले से ही कर दी गई है, उसका टेंडर भी कर दिया है, चाहे वो PMBSY, NH या PWD जितने भी डिपार्टमेंट की हो, और नमक और जो शावल और जो जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ इन प्लेस हैं ताकि कोई भी ट्रैफिक बाधित ना हो। इसके अलावा भी मार्च तक का एडवांस राशन वहाँ पर पहुँच चुका है। कुछ राहत किट भी बनाई गई हैं ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो उनको वितरित कर दें। अभी तक कोई ऐसा समस्या वाला हमारे पास कोई प्रकरण आया नहीं है। अभी तक सब कुछ मतलब बहुत स्मूथली चल रहा है और प्रशासन किसी भी तरह के उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।